मऊगंज को जिला बनाने की मांग एक बार फिर से बुलंद हो रही है। अब की विधायक मऊगंज ने मोर्चा खोल दिया है। विधायक सुकेन्द्र सिंह बन्ना ने इसी मांग को लेकर 6 सूत्रीय मांग पत्र ज्ञापन कलेक्टर को सौंपा। मऊगंज को जिला बनाने की मांग लंबे अरसे से चली आ रही है, लेकिन सरकार ने अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाए। उधर बाणसागर परियोजना का पानी मऊगंज हनुमना को नहीं मिल पा रहा है, जबकि पानी मऊगंज से गुजरकर उत्तर प्रदेश ले जाया जा रहा है। विधायक सुखेंद्र सिंह बन्ना ने 6 सूत्रीय मांगों को लेकर कलेक्ट्रेट ज्ञापन सौंपने पहुंचे। बन्ना ने आवाज बुलंद करते हुए मऊगंज को जिला बनाने की मांग उठाई है। इसके अलावा बन्ना ने कहा, अगर मऊगंज को बाणसागर का पानी नहीं मिला तो वह उत्तर प्रदेश पानी रोकने का ऐलान किया है। विधायक का आरोप है कि हनुमना और मऊगंज के बसाहट में क्रेशर की लीज दी गई है, जिसके चलते दुर्घटनाएं हो रही हैं। इसकी लीज निरस्त होनी चाहिए। साथ ही बन्ना ने मांग की है कि सौर ऊर्जा प्लांट बदवार में मऊगंज क्षेत्र के बेरोजगार युवकों को रोजगार दिलाया जाए। कलेक्टर प्रीति मैथिल ने ज्ञापन लेकर सरकार को भेजने की बात कही। इस मौके पर विधायक के साथ सैकड़ों ग्रामीण मौजूद रहे। हमारी सर्वप्रथम तो मऊगंज को जिला बनाने की बात, हमने विधानसभा में भी बात रखी थी और अपने मऊगंज क्षेत्र में जो भी बड़ी सभाएं हुई उसमें हमने बात रखी थी। और मऊगंज का आज से नहीं बहुत पहले से सर्वे भी हुआ कि मऊगंज मध्य प्रदेश में सबसे पहले प्राथमिकता रहता है, लेकिन मुझे कल पता चला 2-4 दिन पहले कि निवाड़ी जिला बन रहा, जबकि निवाड़ी मऊगंज के बराबर का नहीं। मेरा कहना यह है कि मऊगंज को जिला बनाया जाए, निवाड़ी के साथ निवाड़ी बने उसे कोई आपत्ति, लेकिन मऊगंज बने, ये बात मेरी प्रमुख थी। बाकी 4-5 मेरे और भी बिंदु, चाहे हमारे क्षेत्र में अवैध क्रेशर लगाए गए वो बिंदु है, और चाहे अभी बाणसागर पानी की बात हो, पेयजल का संकट है, सिंचाई का संकट है, वो बिंदु है। तीसरा, अभी करहिया मंडी में कल किसानों के साथ लूटपाट लगातार हुई, कम से कम करोड़ों का किसानों का को लूटा गया, वो बिंदु है। और सोलर प्लांट में हमारे रीवा ज़िले के युवाओं को रोज़गार नहीं मिल पा रहा है, सिर्फ जो है तो कुछ चंद लोगों को या बाहरी लोगों को रोज़गार दिया जा रहा है, कम से कम मऊगंज देवतलाव देवथा इन सब लोगों का भी लोगों युवाओं को रोज़गार मिले। इन सब तमाम बिंदुओं को लेकर हमने कलेक्टर से बात किया कि ये 1 हफ्ते के अंदर इसका निराकरण आप उचित तरीके से करो, और खासकर मऊगंज जिला बनाने की जो मेरा मुद्दा है इस पर मेरा बिंदु है कि मैंने कई बार बोला सदन में भी, ये कहा गया था कोई जिला नहीं बन रहा, लेकिन निवाड़ी बन रहा है। मेरा ये है कि मुख्यमंत्री जी जब आएँ मऊगंज को भी घोषित करें मऊगंज जिला बनना जी। हुई तो आप क्या करें? देखिए ऐसा है कि अगर मेरी मांगें नहीं पूरी हुई, मैं सत्ता पक्ष का विधायक भले नहीं हूँ, लेकिन जो मुझसे बन पड़े, देवतलाव के क्षेत्र के लोग, देवथर के लोग, मऊगंज के लोग, युवा, किसान, आम जन, सब कोई मिलकर हम लोग पूरे दम से इस बात की लड़ाई लड़ेंगे। मुख्यमंत्री जब कभी रीवा आएंगे या मऊगंज जाते हैं तो उनको उनसे बात रखेंगे कि पहले आप मऊगंज को जिला घोषित करो, अन्यथा आपको अंदर नहीं आने दूंगा। इस हद तक हम लोग लड़ाई लड़ेंगे।